ऐसे तो मैं बहुत ट्रिप कर चुका हूँ अपने दोस्तों के साथ, और ये सनराइज देखना है। लेकिन इस साल 2023 में मैं पहली बार अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जाता हूं। तो आज हम आपको दो कहानी सुनाने वाले हैं, जिसमें से आपको कुछ किरदार मिलते जुलते नजर आएंगे। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है हरिद्वार से। फिर इसके बाद हरिद्वार की सबसे प्रसिद्ध मंदिर मनसा देवी का दर्शन करने के लिए हम लोग निकल जाते हैं। जय माता दी। दो मिनट का रेस्ट ले लो। और मोलू भाई कैसा फील कर रहे हो? हालत खराब हो गई, टट्टी निकल गई। माता जी के दरबार में पहुंचते ही हमने पाया कि यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन इस कसमकस में हमने माता के दर्शन कर ही लिए। हेलो दोस्तों, हम लोग मनसा देवी का दर्शन करके जा रहे हैं, अब होटल में खाना खाने। हमारा सफर यही नहीं खत्म होता, हम यहाँ से निकल लेते हैं ऋषिकेश की तरफ, जहाँ हम पहुंचकर अगले दिन नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। वहां पहुंचकर हमने पाया थी कि सब उतावले हो रहे थे प्रभु के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, अभी हम लोग जो है नीलकंठ मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और हमारे साथ है अंकुर बड़ी। हम लोग वापस चल रहे हैं ऋषिकेश और फिर वहाँ से निकल लेंगे। फोटो नहीं वीडियो बना रहे हैं। कट कर देते हैं आप। तो भाई हम लोग रामलीला के जस्ट बगल बैठे हुए हैं और उधर आरती हो रही है और व्यू का भी साथ। गंगा किनारे कितनी शांति मिलती है ना, तो कुछ इस तरह हमारी पहली कहानी समाप्त होती है। तो हमारी दूसरी कहानी शुरू होती है वृंदावन से, जहां पे हम लोग सबसे पहले वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं। अरे हाँ, ये जम्मू वाली माता जी नहीं है, ये वृंदावन वाली माता जी है। शायद ही हमने पहले कभी माता जी की इतनी बड़ी प्रतिमा देखी हो। मंदिर में प्रवेश करते ही लोग अपने आप मंदमुग्ध हो गए। बोलो राधे राधे। तो इसके बाद हम प्रियकान जू टेम्पल की तरफ प्रस्थान करते हैं और जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, हमें बहुत ही खूबसूरत आकृतियां दिखाई देती हैं, जिनसे ये त्रेता युग के उपरांत हुए घटनाओं का जिक्र किया है। और इसके बाद हम लोग आते हैं प्रेम मंदिर में, आए हैं वृंदावन। भाई साहब क्या नजारे हैं यार, मजा आ गया। ऐसा एहसास हुआ कि इससे ज्यादा खूबसूरत मंदिर हमने कभी देखा नहीं। यहाँ की सुंदरता ने हम सभी का मन मोह लिया।
बस जी कर रहा था कि ऐसे ही निहारता रहूं। सूर्योदय होने के उपरांत हम निकल पड़ते हैं दीप पूजन के लिए यमुना घाट की तरफ। तो दोस्तों, इस वक्त हम निधिवन में आए हुए हैं और भाई साहब शांति अलग लेवल पे है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर रात में ये सारे पेड़ पौधे गोपियों में बदल जाते हैं और यहाँ पे कान्हा जी के साथ रासलीला करते हैं। आज के समय में हम इतना बिजी हो गए हैं अपने लाइफ में कि अपने फैमिली को समय नहीं दे पाते, लेकिन जहाँ तक हमें ऐसा एहसास हुआ कि हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो। बाकी मिलते हैं अगली कहानी में। अरे वीडियो बना रहे हैं, चलो।